हे नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? देख सकते हो इस वक्त गार्डन में बैठा था, मुंबई वाले गार्डन में हूँ, राजस्थान वाले में नहीं, मुंबई वाले में। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं इस वक्त, उनको बता दूं कि मैं एक रेक्टम कैंसर सर्वाइवर हूँ विथ परमानेंट कोलोस्टोमी, यस। और इस चैनल पे मैं ज्यादातर इसी कैटेगरी के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ, तो जिनको भी इंटरेस्ट है वो देख सकता है मेरा चैनल। बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे जो डॉक्टर्स नहीं देते हैं, या तो देना नहीं चाहते, या तो उनके पास समय नहीं है। तो मेरे चैनल पे आप बहुत आसानी से उस चैनल वो वीडियोस देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाए हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो भी कैंसर ट्रीटमेंट के ऊपर ही है। तो क्वेश्चन ये है कि खेमोथेरेपी की जो साइड इफेक्ट्स है वो कितना समय तक रहते हैं? यस, मुझे बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते रहते हैं कि हमारे पैरों में झंझनाट है, हमारे को रेक्टल डिस्चार्ज हो रहा है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, वीकनेस है, और लूज मोशन अभी भी रहता है। तो कहीं ना कहीं ये साइड इफेक्ट्स कितना समय तक चलते हैं? तो दोस्तों, मैं आपको बोल दूं कि देखो, भले ही आपका ट्रीटमेंट खत्म हो जाए, मुझे बहुत सारे लोग कॉल करके बोलते हैं कि हमारा ट्रीटमेंट अभी अभी खत्म हुआ है, 1 महीने ही हुआ है और अभी भी साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि साइड इफेक्ट्स बहुत लंबा चलते हैं। यस, मे बी जो इंस्टेंट जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो दवाई की वजह से होते रहते हैं ना, जिससे मुंह वगैरह खराब होता है, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। मे बी बाल वगैरह जिसके कम हुए हैं वो हो जाएंगे ठीक ठाक, पर जो रेडिएशन के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो, तो दोस्तों रेडिएशन के साइड इफेक्ट्स, केमो के साइड इफेक्ट्स वो बहुत गहरे होते हैं। यस, उनको समय लगता है। रेडिएशन के साइड इफेक्ट्स तो दोस्तों जो डिस्चार्ज वगैरह है, हमारा रेक्टम से डिस्चार्ज होता रहता है, वो कहीं ना कहीं रेडिएशन का साइड इफेक्ट्स है और वो लंबा चलता है, जब तक आपका घाव ठीक नहीं होगा। यस, जो आपका पेरिनियल घाव है, या तो जो मांस है जहाँ से कटा हुआ है, वो जब तक भरेगा नहीं, जितना भी हिस्सा है, तो वो चीज़ें में दोस्तों समय लगेगा। और रेडिएशन अंदर तक दी जाती है, आपने देखा ही होगा कि जब भी रेडिएशन दी जाती है तो कुछ दिनों तक तो कुछ नहीं होता, पर उसके बाद में क्या होता है वो आप सबको पता है। तो क्या होता है वो आप खुद देख लेना क्या होता है। तो वो चीज़ों का असर दोस्तों अंदर तक होता है, और बहुत सारे लोगों को अलग अलग दिक्कत होती है, यूरिन में दिक्कत हो जाती है, रेक्टल डिस्चार्ज तो है ही एक है। तो ये सब चीज़ें लंबा चलती है दोस्तों, और ये ठीक हो जाएगी। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि ठीक नहीं होगी, मेरे ठीक हो चुके हैं, और पर समय लगेगा दोस्तों। अब समय में का इसका मतलब ये नहीं है कि 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता या तो 1 महीना 2 महीना, ऐसा नहीं है। कभी कभी 6 महीने लग जाते हैं कम्प्लीटली ठीक होने, 1 साल लग जाते हैं। और कुछ लोगों की बॉडी अगर वीक है, कमज़ोर है, अगर वो ठीक से वर्कआउट नहीं करते हैं, एक्टिविटीज़ नहीं करते, तो ये और भी लंबा हो सकता है। तो इसीलिए आप कितना मेंटली फिट हो, आप फिजिकली कितना एक्सरसाइज वगैरह करना स्टार्ट करते हो और पॉजिटिव रहते हो, ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है हमारी बॉडी से। और अगर आप ये सब चीज़ें करोगे तो बहुत जल्दी आपके साइड इफ़ेक्ट्स कम हो जाएंगे। बाकी जो दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स है दोस्तों, वो उसके लिए समय लगेगा, ऐसा नहीं है कि चुटकी में हो जाए। तो कोई भी चीज़ है जो पैरों में झुंझुनाहट है, सर दर्द है, लूज मोशन है, ये सब कीमोथेरेपी की जो साइड इफ़ेक्ट्स है, ये रहते हैं। इतनी गर्म डोज होती है दोस्तों वो, तो आपको क्या लगता है कि वो जल्दी से सब चीज़ें हो जाएगी ठीक? नहीं होगी। मुझे जब कीमोथेरेपी दी गई थी, मुझे मोशंस वगैरह बहुत समय तक है ना ऐसे ही, मतलब सही नहीं होते थे, एकदम स्टिकी स्टिकी मोशन होता था मुझे कोलोस्टोमी बैग में। तो बहुत समय लगा था उसके लिए, मतलब 1 साल लग गया था मुझे लग रहा है। तो आप डाइट क्या लेते हो, आप किस तरीके से अपनी लाइफ को मेंटेन करके चलते हो, वो सारी चीज़ें ये जो साइड इफ़ेक्ट्स है उसको ठीक करने में हेल्प करेगी। अगर आप सिर्फ टेंशन लेके बैठे हो कि
यार कब तक होगा कब तक होगा। देखो ये चीज का आपको पुख्ता जवाब कोई नहीं दे पाएगा, क्योंकि मेरे साथ में जो हुआ जरूरी नहीं है कि आपके साथ में भी वैसा ही होगा, उतने समय भी ठीक होगा या उससे और लेट होगा या तो जल्दी होगा। तो कंप्लीटली हर एक की बॉडी अलग है, आपको सिर्फ मैं रेफरेंस दे सकता हूँ कि समय लगेगा और ठीक हो जाएंगे। उसके लिए आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी, एक तो डाइट एक अच्छी लो, और ऐसी डाइट लो जिसमें गर्माहट ना हो, मतलब तासीर की गर्म ना हो, प्योर वेज ही लो, नॉन वेज को निकाल दो अपने लाइफ से, शुगर वगैरह है वो भी कम कर दो, अगर चाय वगैरह लेते तो अलग बात है ठीक है हल्का फुल्का ले लो, पर शुगर को भी ले लो क्योंकि उससे भी गर्मी होती है बॉडी में। यस, और कहीं ना कहीं क्या बोलूँ कि साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं, कीमोथेरेपी एक नॉर्मल ड्रग नहीं है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं मैंने सुना है कि वो सांपों के जहर से कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ होता है, मतलब बनते हैं तो वो बहुत गर्म होते हैं बेसिकली, और कैंसर को मारने के लिए या जो दवा इन्वेंट हुई है वो एकदम मामूली तो हो नहीं सकती। कैंसर कितनी बड़ी बीमारी है और उसको अगर कोई चीज़ें मार रही है तो छोटी मोटी दवाइयों से तो ये नहीं होगा। तो बहुत पावरफुल आपने दवाई ली है ये समझो, और हिम्मत रखो कि यार हमने इतना बड़ा ट्रीटमेंट फेस किया है, अगर हमारी लाइफ बच गई है तो उससे बड़ी बात क्या है। साइड इफ़ेक्ट्स धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, घबराना नहीं है, पॉजिटिव रहना है अपनी लाइफ में, दूसरी चीज़ों पर फोकस करना है, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। यस, ख़त्म हो जाएगी, वक्त हर चीज़ को ख़त्म कर देता है दोस्तों, आपको भी ख़त्म कर देगा एक दिन। हाँ, आपको भी ख़त्म कर देगा। तो ये बीमारी और ये साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। यस, तो इस चीज़ को समझो, लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी आपके लिए, और ऊपर वाले का सहारा लेकर चलो, क्योंकि आप अपने दम पर कुछ भी नहीं कर सकते, ऊपर वाले का सहारा होगा तभी हर चीज़ों का सवाल मिलेगा, जवाब मिलेगा और मन आपका शांत हो जाएगा। तो वो चीज़ आप समझो इस चीज़ को, ठीक है। कुछ भी चीज़ है घबराओ मत, मैं हूँ, और सवाल आप डाल सकते हो, मुझे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हो, प्लीज़ डायरेक्ट कॉल मत करो, व्हाट्सएप ही करो, और सवाल जवाब के लिए आप मोस्ट वेलकम हो, ठीक है। चलो, टेक केयर, गुड बाय।